गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट। तो मैं आपका अपना आसिफ खान एक बार फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पल्सर 150 में कौन सा टायर डालना चाहिए। काफ़ी लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि उनको पल्सर 150 में ट्यूबलेस टायर डालना चाहिए या ट्यूब टैप। तो आज मेरी इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा मैं और बताऊंगा कि पल्सर 150 में आपको ट्यूबलेस टायर सही रहेगा या फिर ट्यूब टैप। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो गाइस देखिए, ये है हमारा ट्यूब वाला टायर। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, ये ट्यूब वाला टायर है। सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी ये है कि अगर आप कहीं पर भी आपकी बाइक पंचर हो जाती है, तो मान लो कहीं पर भी आपकी पंचर हो जाती है या फिर हवा निकल जाती है, तो आप उसको थोड़ी सी भी बाइक को आगे नहीं चला सकते हो। वहीं पर आपको रुकना पड़ता है। अगर शॉप मान लो अगर 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हुई, तो भी आप उसको वहाँ तक बैठ के नहीं जा सकते हो। अगर बैठ के जाओगे तो आपकी ये वाल पुट्टी ख़त्म हो जाएगी और आपको नया ट्यूब चेंज करवाना पड़ेगा। और नया ट्यूब समथिंग इसका 350 के आसपास मिलता है मार्केट प्राइस इसकी, MRF की। तो अगर साल भर अगर आपका टायर चलता है और 2-3 ट्यूब खराब हो गए, तो वही पैसे आपको हो जाते हैं। तो मेरे नज़र में जहाँ तक देखा जाए, तो अगर आप आपकी बाइक में डलना चाहते हो, तो ट्यूबलेस टायर ही आपके लिए बेहतर है। ये पूरी तरह से ट्यूब वाला टायर है। बहुत से लोग इसको ट्यूबलेस में फिट करने की वो सोचते हैं कि ट्यूबलेस टायर सही नहीं है। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक आपको डालना चाहिए वो ट्यूबलेस टायर ही डालना चाहिए। आपको मैं एक और टायर बता देता हूँ, ट्यूबलेस टायर। ये देखिए, ये है ट्यूबलेस टायर MRF का। सेम पैटर्न, सेम टायर आपको बता देता हूँ। ये दोनों टायर देखिए, बट इसमें फर्क इतना है कि ये इसकी जो कंपनी ने इसकी जो रिंग डिज़ाइन की है, ये वाली रिम डिज़ाइन की है, बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन की है। क्योंकि ये जब ट्यूबलेस रिंग में फिट होता है, तो पूरी तरह से एयर टाइट फिट होता है। क्योंकि जब यहाँ से अगर हवा नहीं निकले, इस तरह से ये फिट होता है। और कंपनी ने इसको बनाया है, तो इसी तरह से बनाया है। और जब भी आप अगर डालना चाहो, तो पहले ये यहाँ पर ट्यूबलेस लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा टायर, तो ये वाला ट्यूबलेस देख कर ही टायर खरीदें, वरना टायर नहीं खरीदें। क्योंकि वो ट्यूब टेप टायर हो सकता है। इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। सेम टायर, दोनों एक ही पैटर्न के टायर है, जबरसी। लेकिन आप अगर आपकी बाइक में डालना चाहते हैं, मेन पॉइंट ये है कि अगर आपकी बाइक में आप टायर डालना चाहते हैं, तो ट्यूबलेस टायर डालिए पल्सर 150 में। अपग्रेड टायर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हवा भराने के बाद, चाहे खिल लगी हो, चाहे गिट्टी लगी हो, कुछ भी लगी हो, आप हवा भराने के बाद कम से कम 10-20 किलोमीटर आपकी शॉप पंचर शॉप तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। तो सबसे बड़ी फ़ायदा तो इसका ये है। और इसमें ट्यूब ख़राब नहीं होता है, ट्यूब होता ही नहीं है, तो ट्यूब खराब कहाँ से होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें समथिंग 2-3 साल ये टायर चलता है, तो आपके हवा बनाने के बाद भी कई दिनों तक चल सकता है। और ट्यूब अंदर होता ही नहीं, तो ट्यूब खराब होता ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया टायर है ये। इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा मेरी तरफ से कि अगर आपको डालना है 150 पल्सर में, तो आप ट्यूबलेस टायर ही डालें, ट्यूब टायर नहीं डालें। ठीक है दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।